आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज़ में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो एग्ज़ाम कराता है आर ओ ए आर ओ उसकी वैकेंसी लगभग 300 वैकेंसी है जो बहुत दिन से चर्चा चल रही थी अब वो तैयार है नए साल के थोड़ा सा पहले या नए साल के शुरुआत में ही आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा लगभग तीन वैकेंसी की बात हो रही है और अब ये सीरियस है और वो लोग जो सिर्फ़ वैकेंसी का वेट कर रहे होंगे वो सिर्फ़ मैं बता दे रहा हूँ आज आप नोट कर लीजिएगा वो सिर्फ वेट ही करते रह जाएंगे वैकेंसी आएगी फिर वो पढ़ने के बारे में सोचते रहेंगे और पढ़ नहीं पाएंगे ठीक है इसलिए मेरी आपसे एक ही क्लियर इंस्ट्रक्शन निवेदन या जो कह लीजिए जो आप समझिए कि देखिए जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं आपको लेटर राइटिंग पढ़ा रहा हूँ तो आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि यार वो सही नहीं है लेकिन वो लेटर राइटिंग जिस किसी ने एक बार रट ली भाई दस टू वीडियो है दस बारह वीडियो है आपने एक बार तबीयत से वो लेटर राइटिंग रट ली तो विश्वास करिए वो कहीं नहीं जाना आपने उसको एक बार बना के रट के नोट्स बना लीजिए वो 10 से 20 नंबर फिक्स हैं आपको कोई माई का लाल नहीं काटेगा उस दिन तैयारी मत करिए कि भैया अब 28 दिसंबर को मान लिया नोटिफिकेशन आ रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आर ओ आर ओ का तो आप उस दिन तैयारी शुरू कर दें उस दिन कुछ नहीं होगा उस दिन तो आप प्रीलिम्स की तैयारी करना शुरू करेंगे भाई नोटिफिकेशन आ गया इसका मतलब अब आपको प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर देनी है तब आप मेंस की तैयारी नहीं कर पाएंगे और प्रीलिम्स से मेंस के बीच में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बिल्कुल देरी नहीं होती इस बात को याद रखिए इसलिए तैयारी कर दीजिए कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है और आपको एकदम रेडी रहना है क्योंकि यू यू अपने फायर मोड पे चल ही रहा है ठीक है तो वैकेंसी बस आने की देर है नोटिफिकेशन आएगा और एग्जाम हो जाएगा ठीक है थैंक यू सो मच इसलिए जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ आर ओ ए आर ओ के स्पेसिफाइड खासतौर से हिंदी का मैं बना रहा हूँ तो हिंदी में लेटर राइटिंग है जो भी है आप उसको रट डालिए ना प्रीलिम्स वही पास कराएगा वही आपको टॉप कराएगा थैंक यू सो मच